निरंजन 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 निरंजन, तुम फिर आ गए मेरी तपस्या में विघ्न डाल? विघ्न डालने नहीं, तुम्हें एक बात समझाने आया। तुम और त्रिकाल ज्ञानी को समझाने आए हो? ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका मुझे ज्ञान नहीं? सतयोगी, तुम मेरे गुरु भाई हो, इसलिए कहता हूं ये योग सिद्धि का जो अहंकार हो गया है तुम्हें, एक दिन यही तुम्हारे पतन का कारण होगा। सच्ची बात को अहंकार क्यों समझते? क्या मेरी कोप दृष्टि हिमालय में आग नहीं लगा सकती? क्या मेरी चुटकी भर बबूत मुर्दे में प्राण नहीं डाल सकती? क्या नहीं कर सकती मेरी योग सिद्धि? तुम्हारा ये अहंकार तुम्हें ले डूबेगा एक रोज। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। तुमसे बढ़कर संयमी और जितेंद्री है अयोध्या का भक्तराज सेठ धर्मदास। निरंजन, आज तुमने भंग चढ़ा रखी। व्रती धर्मदास और संयमी। एक पत्नी व्रतधारी धर्मदास ही सच्चा संयमी। तुम जैसा बाल ब्रह्मचारी नारी के पीछे भाग सकता है, लेकिन वो नारी के जाल में नहीं फंस सकता। वो किसी से नहीं डरता। शक्ति से नहीं, कष्ट से नहीं, मृत्यु भी सच्चे भक्त को विचलित नहीं कर सकती। पुत्र की मृत्यु भी नहीं? नहीं, मैं नहीं मानता। तो परीक्षा ले लो। मुझे क्या जरूरत? तुम ये सिद्ध करो कि वो भक्तराज जितेंद्री है, वरना मैं यही कहूंगा कि मैं जितेंद्री हूं, सर्वशक्तिमान। धर्मदास मेरे सामने कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो सुनो घमंडी, मैं तुम्हें और सारे जगत को दिखाने के लिए एक भक्तराज पर दुख के पहाड़ गिराऊंगा और अपनी आत्मा के विरुद्ध उसे लोक निंदा का शिकार बनाऊंगा और ये सिद्ध कर दिखाऊंगा कि उसकी भक्ति हमारी योग सिद्धि से बढ़कर है। जय निरंजन। निरंजन, निरंजन, निरंजन। भगवान रामचंद्र, भक्तराज धर्मदास को मेरी कठोर परीक्षा में सफल करना, अपनी अमृत दृष्टि उस पर बरसाना और जो कुछ मैं करने चला हूं क्षमा करना। जय निरंजन। बाबूजी, मेरे पिताजी को बचाइए। लाइट बली आई पिताजी, पिताजी को बचाइए बाबूजी। भैया, भैया मेरे बापू को बचाओ। क्या करूं? जय धर्मदास की जय। धर्मदास की जय। नहीं बच्चों, बीवी जय मत पुकारो। देखो ये श्री राम की नगरी है, बोलो प्रभु रामचंद्र देव की जय। रामचंद्र देव की जय। बाबूजी, दुनिया के कान बहरे हो गए, अयोध्यावासियों के हृदय पत्थर के बन गए, लेकिन संसार आपकी जय पुकारा। आप तो मेरी मदद कीजिए बाबूजी। घबराओ नहीं बेटी, पर ये तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मेरे बूढ़े आपाहित पिता पर एक डर गिर पड़ा। मैं कब से चिल्ला रही हूँ बाबूजी, मुझे गरीब की पुकार कोई नहीं सुनता। चलो बेटी चल। आप मेरी मदद कीजिए बाबूजी। हाँ बेटी चलिए बाबूजी। चल। तू कहाँ चली गई थी? घबराओ नहीं भाई, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे थे? मैं कौन हूँ? मनुष्य के रूप में पशु, और जा रहा था इस पेट की आग बुझाने के लिए, भीख मांगने के लिए। चलो बेटा चलो चलो। आंसू मत बहाओ भाई, आंसू की चोट से खुशी के दरवाजे नहीं खुलते। विपदा के समय भगवान को याद करना चाहिए। क्या भगवान को याद करने से मनुष्य के कष्ट दूर हो सकते हैं? कष्ट तो समय से पहले कभी दूर नहीं होते भाई। हाँ, पर भगवान का नाम लेने से कष्ट को सहन करने की शक्ति जरूर बढ़ जाती है। जब कोई थके मांदे भूले भटके मुसाफिर को दूर से किसी गांव का टिमटिमाता हुआ दिया दिखाई देता है, तब उसकी निराशा आशा में बदल जाती है, उसकी हिम्मत बढ़ जाती है।
और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाता है। भैया बोलो, मेरे लायक और कोई सेवा हो तो कहो। दया और कीजिए, इसी सरयू के किनारे एक झोपड़ा दिलवा दीजिए, ताकि मैं राम नाम का स्मरण करके अपने पापों को धो सकूं। हाँ हाँ जरूर। निरंजन निरंजन, क्या आन है, क्या शान है, कपड़े रईसों के, काम सईसों के, बगल में इतना बड़ा गठन, किस राजा महाराजा के धोबी हैं आप? क्या बच्चों, जानते नहीं हमसे धर्मदास के साले साहब लाला पकोड़ी मर धोबी पछाड़। धोबी पछाड़? हाँ, वक्त आने तो मालूम हो जाएगा। आप बोलो। हम हैं ज्योतिष रत्न, हाथ की रेखा देखकर नसीब का पोथा पढ़ते हैं। हाँ, 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 तो फिर तो आप बड़े काम क्या भी मालूम होते हो। आप पधारिए महाराज, आइए 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 महाराज। ये देखिए मेरा हाथ, घर की बाहर की अड़ोस की पड़ोस की आने वाली मुसीबत जाने वाली मुझ सब कही सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। वाह वाह, क्या हाथ है दादा। दिल के भोले, सच कहा सच कहा, बड़ी बहन को माँ से भी ज्यादा चाहने वाले। महाराज क्या कह रहे हैं आप? वाह वाह वाह, क्या हुआ? क्या महाराज? और अपनी धर्म पत्नी के दुश्मन। हाँ हाँ, धन्य महाराज, धन्य महाराज, आप तो अवतार मालूम होते हैं। महाराज एक बात पूछो। पूछो। मेरी धर्म पत्नी सुधरेगी या यूं ही रहेगी, ताकि मुझे कुछ? नहीं नहीं नहीं, 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 दूसरी करने की जरूरत नहीं। वाह, उसको सुधारने का एक ही उपाय। वो क्या महाराज? और वो है, देखिए घर घर में भी। हाँ, उसी से सुधरेगी। ये है मेरे धर्म पत्नी। ओ धन्य हो, धन्य हो। देख रहे हैं? देख रहे हैं? शादी को 10 साल हो गए। अच्छा, ये लड़का भी है। हा? लेकिन संसार अब तक मेरे समझ में नहीं आ रहा। अरे लाला आप चिंता न करो, ये जटाशंकर सब ठीक कर देगा। धन्यवाद। राम जी का नाम रे, कोई मांगे सोना चांदी, कोई धन धान रे, मैं तो मांगू प्रेम से तेरे राम जी का नाम रे। आई तेरे द्वार तो फिर तुझे से क्या काम रे, मैं तो मांगू प्रेम से तेरे राम जी का नाम रे। कोई धन धान रे, मैं तो मांगू प्रेम से मेरे राम जी का नाम रे। किसके नाम को हनुमंत हर दम छाती पर राखे, जिसने प्रेम से शबरी के सब झूठ बेर की, चाहे और शान रे, मैं तो मांगू प्रेम से मेरे राम जी का नाम रे। कोई मांगे सोना चांदी, कोई धन धान रे, मैं तो मांगू प्रेम रे। छल से रावण ने हरित सीता माई, रावण के छल के बल से जब डरित सीता माई, तब लिए हाथ में धनुष लंक पर चढ़े राम रघुराई, रावण को संहार के सीता माँ की लाज बचाई। तर गई
भी तेरे जल में ऐसा हैरान रे, मैं तो मांगू प्रेम से मेरे राम जी का नाम रे। कोई मांगे सोना चांदी कोई धन धान रे, मैं तो मांगू प्रेम से मेरे राम जी का नाम रे। ऊँटों से अमृत बरसा दिया तूने, एक बार और बोलो बेटा। माँ मालूम होता है किसी ने जलते हुए हृदय पर अमृत की धारा बरसा। पप्पी करो किशोर। किशोर, तूने फिर इस घर में कदम रखा? तू भी कितनी निर्लज है मीरा, मैंने हजार बार मना किया कि मेरे बच्चे के ऊपर भूखी नजर ना डाला कर, लेकिन तू ना मानेगी। और तू भी चांद से बच्चे पर हाथ ना उठा। ये चांद मेरे गोद का उजाला है, तुझ जैसी बांझ औरत का क्या भरोसा? प्रसाद के बदले ना जाने क्या से क्या खिला दे। चल चलो। भगवान, तुमने मुझे नारी जन्म क्यों दिया? और नारी जन्म देना था तो नारी के सीने में मां का हृदय क्यों रखा? और मां का हृदय रखना था तो भगवान मेरी गोद सोनी क्यों रखी? नंदरानी जी, आप आंसू ना बहाओ, मैना का तो स्वभाव ही ऐसा है, उसकी जबान से तो पत्थर ही बरसते हैं। मुझे मैना बहन से कोई शिकायत नहीं है भाभी, शिकायत है अपने किस्मत से। तुम्हें देखो ना भाभी, वो भी कोई घर है जहाँ बच्चे के रोने की आवाज ना हो, वो भी कोई आंगन है जहाँ बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़ कर चलना सीखता ना हो। ये भी कोई अपने घर की बात है ननद रानी जी, भगवान के खेल ही निराले होते हैं। लेकिन भगवान ऐसा खेल क्यों खेलते? उनकी नजरों में तो सब समान है। आपको तो अपने राम नाम पर पूरा भरोसा है ना, आप ही तो कहा करती हैं राम नाम की अमर ज्योत से संसार का अंधेरा दूर हो जाता है। जरूर होता है भाभी। क्या हुआ बहन, किसी जोर रुलाया? अपनी पड़ोसन मैना है ना, उसने इनका बहुत अपमान किया है। अपमान किया क्यों? उसका बेटा किशोर है ना, वो अपनी माँ के मना करने पर भी छुप कर इनके पास हर रोज चला ही आता है। आज वो आकर कहने लगी, तुम भांज हो डायन हो, मेरे बेटे को खा जाओगी, इससे जाने क्या पूछ गई। समझा, मैना को अपने पहलवान पति को बड़ा घमंड है, तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। उस गोपर के बच्चे की यूं न गर्दन मरोड़ दूं तो मेरा भी नाम पकोड़े राम नहीं होगा। अगर वो है तो मैं भीम से डंडा हूँ, ऐसी धूल बचा रख दू, ऐसी धूल बचा रख दू कि चारी मुझे चीर कर बात है। चला मैं चला। हो ये क्या तुम दरवाजा ठोकते हो क्या? दरवाजे के साथ में कुश्ती लड़ते हो? खामोश रहो, ज्यादा चीज बात की तो तुझे धो बिजा दिखाऊंगा। पहले ये बताओ, तुमने मेरी बहन का अपमान क्यों किया? हाँ किया, जो कुछ करने धरने का है कर ले। ये क्या करूं, भगवान को चोटी वाला बना दिया, अगर मूछ वाला बांध देता तो मैं दो हाथ दिखा भी देता। तो जाओ ना अखाड़े में, वहाँ आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाए ना। तू समझते मैं डरता हूँ? अरे आखाड़ा क्या, स्मशान में जाऊंगा और वहाँ खूब मार कर रहूंगा, फिर तू याद करेगी कहाँ है वो। हो धोबी पछाड़, धोबी पछाड़।
का नाम बार लिया है। इसका नाम कलाजंग है और तीसरे का नाम धुई बचार। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? बदतमीज तुम्हारी घरवाली है जो तुम्हारे पहलवाने पे खां मखां कर रही है। पोपट, मैं आखिरी बार कहता हूँ, मैना के जबान को ताला लगाओ। अगर तुम्हें भी इसकी बात ही घमंड होगी तो फिर हो गया फैसला। हाँ, फैसला? किस बात का फैसला? हाँ, बात का फैसला, फैसला, फैसला। हाँ, यहाँ, हाँ, हाँ, फैसला यह है कि या तो तुम नहीं हो या तो मैं नहीं हूं। हाँ, जाकर पानी पियो, ये अखाड़ा है अखाड़ा। देख रहा हूँ मस्का क्यों लगा रहे हो, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मसल दूंगा मच्छर की तरह, मच्छर की तरह। अच्छा अच्छा, क्या कच्चा कच्चा चबा दूंगा, समझे? हागन रहकर मरना और तीसरा बच्चे की माता बनना। अच्छा तो सुनिए, महाकाली को प्रसन्न करने के लिए आपको बकरे की बलि देनी होगी। बलिदान? बकरे का बलिदान? राम 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 राम, जो प्रथा हमारे समाज में नहीं, हमारे वंश में नहीं, वो कार्य मैं कैसे कर सकती हूँ महाराज? अच्छा तो फिर आपको माता बनने की आशा भी छोड़ देनी चाहिए। खैर, जल्दी भी क्या है, सोच लीजिएगा। महाराज सुनिए तो, पूरा सोच लीजिए, लेकिन जब तक स्त्री कन्या से पत्नी और पत्नी से माता नहीं बनती, उसकी मुक्ति नहीं होती। कौशल्या ने मां बनने के लिए श्रृंगी ऋषि के यज्ञ में आहुतियां दी थी, कुंती ने मां बनने के लिए सूर्य को प्रसन्न किया था, और यशोदा ने मां बनने के लिए देवकी पुत्र कृष्ण को अपना दूध पिलाया था। जरा बुद्धि से काम लीजिए, एक तरफ बच्चे की मुस्कुराहट, झूले की लोरियां, माता बनने का सौभाग्य, और दूसरी तरफ निसंतान होने का कलंक। बस बस महाराज, मां बनने के लिए, कलंक धोने के लिए मैं बलिदान दूंगी। जरूर दीजिए, जरूर दीजिए। निरंजन निरंजन, महाराज ये मेरे बच्चे की कुंडली है, जरा देखिए इसके भाग्य में क्या लिखा है। विराजिए। वाह वाह वाह, क्या बात है इस कुंडली, काले नाग की कुंडली भी इतनी चमकदार नहीं होगी। मिट्टी में हाथ डालेगा सोना बन जाएगा, अन्न धन और लक्ष्मी का स्वामी बन जाएगा, राजे महाराजे इसके सामने झक मारेंगे। लेकिन लेकिन क्या महाराज? लेकिन जब तक इसकी माँ की सहायता इसे न होगी,
ये बिल्कुल फक्कड़ बन जाएगा। भीख मांगने पर इसे कोई खोटा पैसा भी नहीं देगा। माना महाराज, ऐसी बात न कहिए। मैं इसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आप कोई उपाय बताइए। मैं तो परोपकार करने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं वो रास्ता बताऊंगा कि बिल्कुल सीधे वैकुंठ पे हाथ मारोगी। हाँ, लेकिन मेरी बात अपने पति तक न जाने पाए। आप उनकी चिंता मत कीजिए। उनकी आंखों में तो मैं ऐसी मिर्चें झोंकूंगी कि जिनको तारे दिखने लगेंगे। शाबाश, तब तो तुम्हारा हमारा दोनों का उद्धार हो जाएगा। अभी क्या उद्धार करता हूँ और जो तारे दिखाता हूँ। सब्जी क्यों पंडित जी, तुम्हें दुनिया में और कोई घर नहीं मिला? तुम इस घर में झगड़ा कर जाते हो। मैं कहता हूँ चुपचाप चले जाओ चुपचाप, यहाँ फिर कभी नहीं आना। अगर गलती से भी आ गए तो वो धोई बिठा दिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद। आप कहाँ जा रही हो? आप तो मेरी आंखों में मिर्चा झोंक रही थी, तारे गिनवा रही थी। जब देखो धोबी पछाड़ करते रहते हो, जैसे कि दुनिया में एक ही पहलवान रह गया और बाकी के लोग सब मिट्टी के हैं ना। तो तुम्हें नमूना बताना ही पड़ेगा। महामाया काली के बलि स्वीकार करो और प्रसन्न होकर मुझे पुत्र रत्न का दान दो। माँ पुजारी जी, आप अपना काम शुरू कीजिए। बोलो काली के मात की जय। हेलो, ये क्या कर रहे हो? पुत्र प्राप्ति के लिए जगत जननी को प्रसन्न किया जा रहा है। जो जगत जननी है, क्या वह इस पशु का बलिदान स्वीकार कर तुम्हें पुत्र दान देगी? किसने तुम्हारे पवित्र कानों में जहर टपका दिया है? मेरा जहर टपकाने वाले आप ही के रिश्तेदार, आप ही के सगे संबंधी हैं। इसलिए मैं इस बलि को देकर हमें अपने कलंक को मिटाना चाहती हूँ। कलंक मिटाना चाहती हो इस बेजुबान पशु के खून से, ऐसे महापाप से? ये पाप नहीं, ये तो शास्त्रों की आज्ञा है। नहीं मीरा, नहीं, ये शास्त्रों की आज्ञा नहीं, ये पाखंडियों की धूर्त लीला है। बंद करो इसे। आप इस अनुष्ठान को न रोकिए सेठ जी, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये देखिए, बलि देने से ही मुझे इस पुत्र की प्राप्ति हुई है। अगर ये सच है तो लाइए खांडा, मैं अपने हाथ से बलि दूंगा। जरूर सेठ जी, पधारिए, आप धन्य है। बोलो माँ कालिका की जय। ये आप क्या कर रहे? इस अनुष्ठान को न रोकिए पुजारी जी, बड़ा ही अनर्थ हो जा। मैं तो आपके बालक की बलि दे रहा हूँ। इस पशु के बदले आपके इस बालक के खून से महामाया तो बहुत प्रसन्न हो जाएगी। दूर हटिए। ये कैसे हो सकता है जी? अरे ये तो मेरा बच्चा है, मेरा। तो फिर ये कैसे हो सकता है भले मानस? अगर ये क्यों धर्म के नाम पर महामाया को, महाशक्ति को बदनाम करते हो? ये है तुम्हारा खूनी हत्या। चलो देवी, घर में चलो। तुम इतनी समझदार होकर ये क्या कर रही थी? चलो। नहीं, अब ये घर मेरा नहीं रहा। जिस घर में पत्नी के लिए पति का प्यार न हो, जिस घर में पुरुष को पिता बनने की लालसा न हो, उस घर को मैं घर नहीं समझती। जाने दीजिए मुझे। ये क्या कह रहे हो दीदी? आपका मेरा आखिरी प्रणाम, मुझे जाने दीजिए। ए भाई, भाई, ठहर जाओ भाई।
का बदला इतनी जल्दी चुकाओगी। तुम जानती हो ये कौन है? ये तो तुम्हारी धर्म की माता है। ये क्या कह रहे हैं आप? तो कह रहा हूं बेटी, मेरे देव, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर दो देव। देवी, अब तो तुमने देख लिया ना, इंसान की दौड़ हमेशा अधूरी रहती है। सुनो देवी, जीवन और मृत्यु इंसान के हाथ में नहीं होती। माता बनने की लालसा ने मुझे अंधा कर दिया। एक पाप करने के बाद मैं दूसरा पाप करने जा रही हूँ। इस पे तुम्हारा कोई दोष नहीं देवी, तुम्हारा कोई दोष नहीं। सुनो, कहाँ घर छोड़कर तुम्हारा यहाँ आ जाना और इसी के हाथ से तुम्हारा बच जाना, जिसे अनाथ होने पर मैंने अपनी बेटी मान लिया है। मीरा, ये तो सब विधि के खेल हैं, जिसे हम कभी नहीं समझ सकेंगे। देवी, आज से तुम जमुना को अपनी बेटी मानो। जमुना, मेरी जमुना। मीरा, जमुना। जरा पांव जल्दी उठाओ, अब ज्यादा दूर नहीं है भाई। क्या बात है, रोते क्यों हो भाई? क्या बताएं, आज ही इसकी शादी हुई और आज ही इसे सांप ने काट लिया। गुफा में ब्रह्मचारी जी के पास जा रहे हैं। क्यों, उनके पास क्यों? उनके पास अपार शक्ति है, वो जहर जरूर उतार लेंगे। चलिए नाथ, चलिए, ऐसे महात्मा के हमें भी दर्शन करने चाहिए। चलिए पिताजी, क्या ऐसे भी महापुरुष यहाँ होते हैं? हाँ बेटी, एक ही नहीं परंतु अनेक महात्माओं ने और महापुरुषों ने यहाँ जन्म लिया है। ये भारत भूमि है बेटी। फिर तो हमें चलना ही चाहिए। चलिए नाथ, चलिए नाथ। अच्छा चलो। योगीराज, योगीराज, योगीराज की जय हो। कौन हो तुम, क्या चाहते हो? प्रभु, मेरे पुत्र को प्राण दान दीजिए। आज ही इसकी शादी हुई और आज ही जगन मंडप में सांप ने इसे डस लिया। दया कीजिए प्रभु। तुम संसारी लोग मुझे यहाँ भी चैन से नहीं बैठने दोगे? मेरे ध्यान को क्यों भंग करने चले आते हो? हम क्षमा चाहते हैं प्रभु, परंतु क्या करें, आपके बिना कोई सहारा भी तो नहीं। कोई उपाय कीजिए, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। नागराज, नागराज, तुम जहां भी हो यहां चले आओ। नागराज, इसका जहर चूस लो। नागराज, कहां चले नागराज? मेरा कहा क्यों नहीं मानते? इसका जहर क्यों नहीं चूसते? इसलिए कि उसने मेरी प्रिय पत्नी नागिन के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मैं उससे बदला लेने का मौका ही टूट रहा था। बदला? बदला तो वो लेते हैं जिन्हें ईश्वर और कुदरत के न्याय पर विश्वास नहीं है। तुम तो नागराज हो, देवता हो, इंसान की भूल को क्षमा करना ही तुम्हारा धर्म। कहां देव कहां मनुष्य। मान जाओ नागराज, मान जाओ। नागराज,
योगीराज, हमारी भी पुकार सुन लीजिए, हमारी भी मनोकामना पूरी कीजिए योगीराज। बहन, योगीराज अब तुम्हारी पुकार नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? वो दिन में सिर्फ एक ही बार बोलते, मेरे बड़े ही भाग्य थे जो मुझसे पहले यहाँ कोई ना पहुँचा और मेरे पुत्र को प्राण दान मिल गया। बहन, प्राण दान मिल गया। जो प्राण दान दे सकते, क्या वो मेरे घर का दिया नहीं जला सकते? योगीराज, योगीराज। नाथ, हमारे भाग खुल गए। बड़ी भाग्यवान हो बहन जो योगीराज ने तुम्हारी पुकार सुन ली। देवी, तुम जमुना को लेकर घर जाओ, मैं मंदिर जाकर आरती का दर्शन करके घर आता हूँ। अच्छा, चलो जमुना। व्यापारी है, उसी के कारण मेरा सारा कारोबार चौपट हो रहा है, इसलिए मैं उसके सारी शान में उड़ा देना चाहता हूँ। मगर इस काम में मैं क्या कर सकती हूँ? तुम वो काम कर सकती हो जो दुनिया की कोई शक्ति नहीं कर सकती। तुम एक स्त्री हो। स्त्री के रूप में मेनका ने विश्वामित्र के तुम नष्ट कर दिया था। अहिल्या की सुंदरता ने इंद्र की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। तो क्या तुम अपनी चितवन से धर्मदास के धर्म को घायल नहीं कर सकती? इस काम के लिए मैं तुम्हारे बालों में मोती पिरो दूंगा, तुम्हारी इन चार दीवारों को सोने से भर दूंगा। बोलो कलावती। चांद और सूरज भी अगर एक बार इन आंखों के सामने आ जाएं, तो वो भी अपनी चाल भूल जाएं। और बेचारा धर्मदास, वो तो इस दुनिया का रहने वाला एक कमजोर इंसान है।
आपका काम कर दूंगी। निरंजन निरंजन निरंजन। तुम फिर आ गए बेशरम। दया यजमान दया, मैं तो तुम्हारे भले के लिए। मेरा भला मैं समझता हूँ, चलो यहाँ से। ये बात कुछ और है यजमान, इस घर में आग लगने वाली है। आग? क्या बकता है? हाँ, व्यापार में आग, सोना चांदी में आग, रुपए पैसों में तेरे झोले में आग, बेशरम। आप सब कहने क्या बात है? दास धर्म कर्म का व्यापार छोड़कर प्रेम बाजार के चक्कर लगाने लगी। हाँ छूट, इतना छूट, चाहे प्राण ले लो, हड्डी पसली तोड़ डालो, लेकिन मैं तो सच ही कहूंगा, सेठ कलावती के काजल वाले नयन से बेचैन होकर कामदेव का शिकार बन चुके हैं। हाँ कलावती? कौन कलावती? ये वही नर्तकी अयोध्या की मशहूर गणिका। हाँ गणिका तू झूठ बोलता है, झूठ बोला तू। निकल जा से, निकल जा वरना वो धूल बजा दिखाऊंगा कि तुम तक बस प्यार करता रहे। धर्मदास नहीं, नहीं नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सौदागर, धर्मदास को धर्म से हटाने के लिए मैंने ऐसा नाटक सोच रखा है कि वो मेरे इशारों पर नाचता रहे और दुनिया खेल देखती ही रह जाए। सिर्फ एक बार उसकी और मेरी आंखें चार हो जाए। वो देखो कलावती, बिल्ली के भाग से छीका टूट पड़ा, वो है सेठ धर्मदास। अच्छा शंभू गुरु? जी जी। वही है अपना शिकार सेठ धर्मदास। तुम और कमो जाकर अपना नाटक शुरू कर दो। नहीं पत्थर रहते हैं, अरे तुम्हारी फरियाद कोई नहीं सुनेगा। कमू? वो इधर ही आ रहे हैं। अगर कोई दयालु है तो सेठ धर्मदास जी के सिवा और कोई नहीं है। अरे उनकी हवेली तक पहुंच जाओ। हवेली तक चलो? हाँ साथ चलो। क्या बात है भाई, मैं खुद धर्मदास हूँ। हाँ। मेरी हवेली तक जाने की कोई जरूरत नहीं। बोलो क्या दुख है तुम्हें? आए आए मेरी बच्ची, आए मेरी लड़की, दर्द के मारे मरी जा रही है। मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, कोई मेरी पुकार नहीं सुनता। एक भी राम का प्यारा मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। रो मत भाई, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सुनो, राम पर भरोसा रखने वाला कभी दुखी नहीं होता। राम तुम्हारा भला करे। होशियार हो जाओ, वो आ गए। बिटिया बिटिया घबराओ नहीं, बिटिया बिटिया घबराओ नहीं, अब तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सेठ धर्मदास खुद पधारे हैं। सेठ धर्मदास और इस अभागिन के घर, धन्यवाद। अब तो मुझे मर जाने का भी गम न होगा। कहो क्या तकलीफ है, बोलो। मेरे सर के टुकड़े टुकड़े हुए जा रहे हैं। सुनो, मैं अभी दवा दारू का प्रबंध किए देता हूँ। मैं अभी आया, तुम चिंता मत करो। नहीं नहीं, आप न जाइए। ये दर्द दवा दारू से जाने वाला नहीं। गरीबों को दान देने वाले ये पवित्र हाथ ही काफी है। आपको कष्ट तो होगा, लेकिन जरा सर दबा दीजिए ना। कष्ट कैसे? ये तो मनुष्य धर्म है। जादू का असर है आपके हाथ में, दर्द
हवा होता जा रहा है। मुझे मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे ठंड लग रही है। घबराओ नहीं, मैं अपनी शॉर्ट में उड़ा देता हूँ। ये लो। भगवान भला करे आपका, शॉल क्या उड़ा दी। मालूम होता है भक्ति ने प्रेम को गले से लगा लिया। आप न होते तो न जाने मेरा क्या हाल होता। दुनिया ने मुझे बर्बाद कर दिया, लूट लिया, कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज कर दिया। मोहताज कर लिया? ये जो घर की सजावट देख रहे हो सब किराए की है। ईश्वर जानता है मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मैं तो एक भिखारन से भी कहीं गुजरी हूँ। चिंता न करो, इस वक्त मेरे पास और तो कुछ नहीं। हाँ, पर ये अंगूठी है, लो इसे ही लेकर। नहीं नहीं, ये मैं कैसे ले सकती हूँ, न जान न पहचान, अंगूठी कैसे ले लूं? संकोच न करो, मुसीबत में इंसानी इंसान के काम आता है। मैं तुम्हें सौगंध देता हूँ कि मुझमें और अपने में कोई भेद न समझो। लो। आपके इस बर्ताव ने तो मुझे जिंदगी भर के लिए खरीद लिया है। बुरा न मानना, और बहुत से काम बाकी हैं, मुझे जाना पड़ेगा। ओह, क्या अधिकार है मेरा जो मैं आपको रोक सकूं? अब कुछ दिन के बाद तुम्हारे साथ खेलने को एक तुम्हारा नन्हा सा भाई आएगा। खेलोगे ना उसके साथ? हाँ वाह। मेरा किशोर, रोज की तरह अपना प्यार लो। किशोर किशोर बेशरम निर्लज्ज। तुम तो कैसे थे, इस घर में घी का चिराग कभी नहीं जलेगा। मौत से पहले मरी क्यों जा रही हो? अभी चिराग जला तो नहीं? जला नहीं तो दो चार दिन में जल ही जाएगा। चिंता न करो, ठीक कर दूंगा। क्या अपना सर ठीक कर दोगे? काली घटा छाई हुई थी, घटा में बिजलियां चमक रही, बरसात भी तो होने ही वाली, और तुम घर काली घटा बरसात नहीं करती। बीवी, तुम्हें एक काम करना होगा। काम करने से पहले जी चाहता है तुम जैसे ज्योतिषी का मुंह नोच लूं। मेरा इसमें से तुम्हारे मुंह की खूबसूरती नहीं बढ़ेगी बीवी। दो ये पुतला और ये सुआ, ठीक आधी रात के समय तेल का दिया जलाकर इस पुतले के पेट में ये सुआ भोग देना। उस बार क्या होगा? जब तक ये सुआ पेट में रहेगा, दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं जो सेठानी को बच्चा पैदा करा सकती है। लेकिन याद रहे, सुआ निकल भी न पाए। सुआ निकल जाए, मेरे देखते देखते आंखें न फोड़ दूँ। शाबाश, चार आंख में पहरा देना, फिर देखना मेरे जंत्र मंत्र और तंत्र का चमत्कार। जाओ, चलते जाओ। Thank you.
मुदलाल, ये क्या बात है? ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आता, इतना कष्ट क्यों हो रहा है? मीरा देवी बहुत ही परेशान है। अब जाइए। कोई बुरा ना माने, कोई बुरा ना माने, कोई बुरा ना माने मेरी बात का, एक और आ गया है मेरी जात का। कोई बुरा ना माने, कोई बुरा ना माने, कोई बुरा ना माने मेरी बात का, एक और आ गया है मेरी जात का। ओ चतुर भाई का चच्चा, सुन कल्याण का कच्चा, मैं बोलूं सच्चम सच्चा, बच्चों घर में हुआ है बच्चा, देखो जन्म हुआ है, देखो जन्म हुआ है आधी रात का, एक और आ गया है मेरी जात का, समझे? कोई बुरा ना माने, कोई बुरा ना माने, कोई बुरा ना माने मेरी बात का, एक और आ गया है मेरी जात का। हाकी माकी तारू मारू तुझी मजी बम्बो, टिकड़म टिकड़म साड़ी गल्ला इल्ले इल्ले पो, हाकी माकी तारू मारी तुझे माजे बम्बो, टिकड़म टिकड़म साड़ी गल्ला इल्ले इल्ले पो, इल्ले इल्ले पो, इल्ले इल्ले अल्लक मल्लक झंझर झलक रम पम 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 पो, अड़को दड़को दही दड़ूको कापड़ पापड़ पो, अल्लक मल्लक झंझर झलक रम पम 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 पो, अड़को दड़को दही दड़ूको कापड़ पापड़ पो। आज खाना पकाओ, आज खाना पकाओ दाल भात का, एक और आ गया है तेरी जात का। कोई बुरा ना माने, कोई बुरा ना माने, बुरा ना माने मेरी बात का, एक और आ गया है मेरी जात का। उल्टी है जीत को उल्टी है जीत रे, चोरा गाए गरबा और चोरी गाए गीत रे, उल्टी है जीत को उल्टी है जीत। अरे बालक देखो माला जब ते झूठ करते प्रीत रे, उल्टी है प्रीत देखो उल्टी है रीत रे, बालक देखो माला जब ते झूठ करते प्रीत रे, उल्टी है जीत को उल्टी है जीत। चोरा गाए गरबा और चोरी गाए गीत रे, उल्टी है जीत को उल्टी है जीत। चोरा गाए गरबा मैं जादूगर मतवाला, मैं बड़े सेठ का साला, मेरा चिंच पोकली काम, मगर मेरा नाम पकौड़ी राम, पकौड़ी राम, पकौड़ी राम। मैं जादूगर मतवाला, मैं बड़े सेठ का साला, मेरा चिंच पोकली काम, मगर मेरा नाम पकौड़ी राम, पकौड़ी राम, पकौड़ी राम। लड़ता नहीं तलवार से और ढाल से, ओ लड़ता नहीं तलवार से और ढाल से, मैं जादू सीख कर आया हूँ बंगाल से, बम 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 बंगाल से।
सिर पर अगर जो रख दूं जादू की टोकरी तो छोकरा बन जाए पल भर में छोकरी। सर पर अगर जो रख दूं जादू की टोकरी तो छोकरा बन जाए पल भर में छोकरी। छुक छुक मुर्गा बने कबूतर, अरे बंदर बिल्ला बन जाए तीतर। छुक छुक मुर्गा बने कबूतर, बंदर बिल्ला बन जाए तीतर। छूमंतर छूमंतर छूमंतर, अब खीसा पाकर संभालो। धर्म की पगड़ी को यहाँ जलाने के बदले बेहतर है कि इसकी भरे बाजार में होली जला दी जाए ताकि इनके पाप भी धुल जाए। ठीक है, है।, है।, है। कौन है जो उनकी पगड़ी जलाने की बात सोच रहा है? ऐसी ऊंची बात मुंह से निकालते हुए शर्म नहीं आती? शर्म तो उसे आनी चाहिए जिसने बेशरम बनकर आप जैसी सती ना को भी धोखा दिया है। कौन कहते हैं कि मुझे धोखा दिया है? मैं कहती हूँ तुम कौन हो? एक नाचने गाने वाली अप्सरा।
वो आपकी दुकान में बैठने वाली ने सच बोलना कब से सीखा? ओहो, तो क्या सच बोलने का ठेका तुम जैसी घर बैठने वाली औरतों ने ही ले रखा है? जरा अपने देवता से पूछ कर देखिए कि ये कितने पानी में है। सचमुच ये मेरे देवता है, इन पर मुझे पूरा भरोसा। हर भोली स्त्री अपने पति को राम और लक्ष्मण समझती है, लेकिन ये उनकी भूल है। चुप कर, किसने तुझे यहाँ बुलाया? चले जा यहाँ से, निकल जा मेरे घर से। मैं नहीं जाऊंगी। जितना अधिकार इस घर पर तुम्हारा है उतना अधिकार मेरा भी है। ए, अधिकार जताने वाली बोलो, तुम बकवास कर रही हो। निकल जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ निकल जाओ। चुपचाप चली जाओ, वरना वो धूप जा दिखाऊंगा। मैं कहता हूँ इसे छोड़ दो। एक औरत के ऊपर हाथ उठाकर शर्म नहीं आती? बड़े मर्द बनते हैं। अच्छा, आप मर गए? क्यों नहीं, मिला हाथ। नहीं, हम इस बदला भरत का बिल्कुल विश्वास नहीं करते। ऐसे मनुष्य का तो मुंह भी देखना पाप है। मुंह में राम और गगन में छुरी। कैसे यही है तुम्हारा इंसाफ? कैसे यही है तुम्हारी अदालत? चलिए ना। काम ना आएगा ये दुनिया का मेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। कुटुंब कबीला सारा झूठा झमेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। ओ कोई आज गया कोई काल गया, कोई जाने वाला अभी अभी, कोई आज गया कोई काल गया कोई जाने वाला अभी अभी। यूं एक एक कर जाएंगे इस दुनिया के लोग सभी, दुनिया खिलौना जैसे बालक का खेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। जो कहे के मैं हूँ झूठी है बात तेरी, वो ही बनाने वाला वो ही मिटाने वाला। लाखों दिनों में अपने दो दिन न भूलना, एक दिन वो आने वाला एक दिन ये जाने वाला। जीवन बहेगा जैसे पानी करेला।
और तू जाएगा अकेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। जानना चाहती हो कि तुम्हें क्या हो गया था, तो सुनो, पति का अपमान तुम्हारा सती हृदय सहन नहीं कर सका। दुख और क्रोध के कारण खून तुम्हारे दिमाग पर चढ़ गया, तुम गिर पड़ी, नाड़ी ने जवाब दे दिया, दुनिया ने समझा कि तुम मर चुकी। लेकिन समय से पहले कोई नहीं मर सकता, किस्मत ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन तुम्हारे बोलने की शक्ति कुदरत ने तुमसे छीन ली। तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें अपने ही घर में चोरों की तरह छुप कर रहना होगा। ये ना पूछो क्यों, समय पर सब कुछ मालूम हो जाएगा। अभी तुम घर जाओ, देर हो रही है, तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है, जाओ जाओ। अब मुझे दोष न देना, मैं पूछता हूं पुतले के पेट से यह सुआ निकल ही कैसे गया। मैं खुद हैरान हूं, मैं तो एक पल के लिए भी गाफिल नहीं हुई, फिर भी न जाने ये कैसा चमत्कार हो गया। कुदरत जब परीक्षा लेती है तो ऐसे ऐसे चमत्कार हुआ ही करती है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं। घबराऊं कैसे नहीं, बच्चा तो देखते देखते जवान हो जाएगा, मेरी तमाम आशाओं पर पानी फिर जाएगा। अब भी कोई उपाय हो सकता है, इंसान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। लो ये डिबिया लो, इसमें से दूध में मिलाकर पिला देना। इसमें क्या है? जीवन को समय से पहले मौत के दरवाजे तक पहुंचा देने वाला जहर। कायरता मत दिखाओ, वरना तुम्हारा बच्चा 7 जन्म तक धर्मदास की जायदाद का मालिक नहीं बनता। गन्ने का रस पीने के लिए गन्ने की जड़ पर छू जाओ, इसी समय जाओ जाओ। सादे रईस नहीं है जो इज्जत के डर से चुपचाप चले जाए। उस्ताद जो मन हो कम्मू भाई, क्या देखती हो, उतार लो ये देवर और लूटो सब। Thank you.
नहीं रहने देंगे और मोहल्ले वालों को भी भड़का देंगे। ठीक है, चलो पंचों को भी ये खबर सुना दें। दर्द के मारे जान निकले जा रही है। कलावती, एक दवा दूं? कौन सी दवा है वो? उस दवा का नाम है कलावती। आज तक तुमने अपने रूप से, जवानी से, नाच गाना, धन दौलत से प्रेम किया है। जिसने तुम्हें जन्म दिया है उसे तुम प्रेम न कर सकी, उसे तुम अपना न बना सकी। मैं आपका मतलब नहीं समझी। कला, जिस मुंह से तुमने दिन रात राग रागिनियां गाकर दुनिया को लुभाया, उसी मुंह से एक बार तो राम नाम का भजन गाकर देख लो, फिर तुम्हें मालूम होगा उस नाम में कितनी शक्ति है, आनंद है, शांति है। बोलो राम, लो राम का नाम। हीरा छोड़ पत्थर तन ने सार समय दो
शरण में पहुंचकर भी इंसान से क्षमा चाहती हो? धर्मदास जैसे भाई की बहन और इतनी कमजोर बहन, ये पवित्र शब्द। मैंने तो नाचने वाली को अपने घर में स्थान दिया, उसे अपने गले लगा दिया। इतने दिनों तक हम अंधे थे जो आपको पहचान न सके, आप जैसे धर्मात्मा और त्यागी की कदर न कर सके। भाइयों, आपने जो मेरी कदर की है और मुझ पर जो एहसान किए हैं उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आपने तो मेरे सर से बोझ उतार दिया है, समाज के सारे बंधन से आपने तो मुझे आजाद किया है। हम मूर्ख हैं, ना समझ हैं। हमने चंदन को बबूल की लकड़ी और हीरे को कांच का टुकड़ा समझा, हमें क्षमा कर दीजिए। पर अपराध तो मैंने किया है भाइयों, और आप क्षमा मांग रहे हैं। आपने कुछ नहीं किया, जो कुछ हुआ उस समय ने किया है। अगर मेरा सर नीचा हुआ तो क्या हुआ? आप लोगों का सर तो ऊंचा हो गया। नहीं नहीं, ज्यादा शर्मिंदा न कीजिए, पिछली बातें भूल जाइए और फिर वही नगर सेठ की पगड़ी स्वीकार कर लीजिए। भाइयों, अब तो वो पगड़ी आप ही में से किसी एक के सर की शोभा बढ़ाएगी। बस सेठ जी बस, ज्यादा भिगो भिगो के न मारिए। हमने निश्चय कर लिया है कि अब वो पगड़ी आपके और आपके खानदान के सर पर हमेशा के लिए रहेगी। लेकिन अब मान जाइए बापू, इन लोगों पर मुझे दया आ रही है, ये ठीक कह रहे हैं। आज का हमारा प्रभुदास कल जवान हो जाएगा और नगर सेठ की पगड़ी का यही हकदार बनेगा। सच कह रहे हो तुम। अच्छा, जैसी आपकी इच्छा। और बट्टू की लगाम में उलझ गया टट्टू, और
रम बजे बजनिया चमक छम चल मेरे टम्पू टमक टम पाँव बड़े तेरे धमक धम धरती डोले धमक धम धमक 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 धम बजे बजनिया चमक छम चल मेरे टम्पू टमक टम 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 चल मेरे टम्पू जी हो मेरे बेटा। देखते देखते दूध का चांद पूनम का चांद बन गया। एक आत्मा की दो तस्वीर, एक छोटी एक बड़ी, एक का नाम बाप दूसरी का नाम बेटा। बापू ये तो माँ की तपस्या और योगीराज के आशीर्वाद का फल है। इसमें क्या शक है बेटी, योगीराज के आशीर्वाद से पूर्णिमा के दिन प्रभुदास को यज्ञ पवित्र का संस्कार किया जाएगा। मुझे आशा है कि उस दिन आप मुझे गरीब के घर पधार कर शोभा बढ़ाए। धन्यवाद धन्यवाद। अब बेटी तुम आज से इसी काम में लगी रहो, मैं योगीराज के पास जाता हूँ। मुझे विश्वास है कि वो मेरी प्रार्थना कभी नहीं ठुकराएंगे। बापू अगर योगीराज न माने तो मामा से कह देना। क्यों? वो योगीराज को भी धोबी पछाड़ दिखा कर ला लाएंगे। नहीं बेटे मैं उन्हें अवश्य बताऊंगा। महाराज बच्चे के जन्मे के दिन गांव की सारी बिरादरी इकट्ठी होगी। अयोध्या के सभी विद्वान पंडित उस शुभ अवसर पर वहां पधारेंगे। आपसे यही प्रार्थना है कि आप प्रसन्न होकर प्रभु दास को आशीर्वाद देने के लिए वहां पधारे। वहां मेरा कोई काम नहीं धर्मदास, मैं अपनी इस छोटी सी दुनिया में जब तप और साधना मनुष्य और ईश्वर के बीच का पर्दा हटा देना चाहता हूं। यहां का एकांत छोड़कर मैं शहर के हंगामों में नहीं जा सकूंगा। आप ही के आशीर्वाद से बच्चे का जन्म हुआ महाराज, और उसी बच्चे को आशीर्वाद देने आपने चलेंगे तो मैं यही समझूंगा कि प्रभु दास के भाग्य में यज्ञ पवित्र का संस्कार ही नहीं लिखा था। तुम मुझे कांटों में घसीट कर ले ही जाओगे। मैं जानता हूं ये बुलावा किसी धनवान का नहीं है, राम भक्त धर्मदास की अभिलाषा। मैं चलता हूं। बस महाराज आपकी महान कृपा है, चलिए। ओहो देवी चुपचाप कहां चली जा रही हो, आशीर्वाद तो लेती जाओ। ओ ज्योतिषी महाराज, बड़े आए ज्योतिषी महाराज कहेंगे। मेरा बेटा धर्मदास की गद्दी का मालिक तो क्या किसी गद्दी का भी मालिक न बन सका। इसमें ज्योतिष शास्त्र का क्या दोष, जब तीर फेंका गया तो किसी न किसी बहाने वार खाली गया। हाय हाय, तो क्या एक बार तीर खाली गया, पुतला पुतला बनकर रह गया, जहर अमृत हो गया। देवी इस बार जब तीर फेंका जाएगा और अगर वह खाली गया तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाऊंगा। बस अच्छी बात, कसोटी पर कसे हुए पीतल को फिर एक ना समझ कर कस लेती हूँ। बोलो क्या करना होगा। यह है कमक्षा रानी की भक्ति, अभी अभी धर्मदास यहाँ एक ब्रह्मचारी जी गए हैं, छोटे समय यह भस्म उनके करीब फेंक दो, उसी वक्त भयंकर धुएं में से कामदेव प्रकट होंगे और उनकी परीक्षा से धर्मदास का घर संसार छिन्न भिन्न बन जाएगा। हाँ। अच्छी बात, आखिरी बार आजमा लो। चलो बेटा। हाथों से ये मनोहर माला किस भगवान के लिए बनाई जा रही है? आपके चरणों पर चढ़ाने के लिए। लेकिन माला तो गले में पहना है। मेरा हाथ आपके गले तक था, मेरा सौभाग्य कहा। स्वीकार कीजिए भगवान।
बड़ी सुंदर माला बनाई है तुम। जी। एक फूल दूसरे फूल को चूम रहा है। जी। कितनी मीठी सुगंध, अंग अंग में मस्ती छा रही, क्यों जमा? जी एक बार तुम भी सुनकर देखो। देवता की माला गुजारन के पास, मुझे देवता समझती हो? जी जमुना, दुनिया की देवता तो पत्थर के होती। प्रेम और भक्ति की आंखें पत्थर में भी भगवान को देखती है। ओ, तो मैं भगवान भी हूँ? जी। और तुम? और तुम जमुना? मैं तो आपकी दासी हूँ भगवान। दासी जमुना, कितना मधुर संगीत। आओ तो आओ। ये क्या है जमुना? दो जीवन एक हो रहे हैं। दो जीवन एक हो रहे हैं। तो घोड़े पे कौन? और डोली में? दुल्हन। दुल्हा और दुल्हन किसे कहते हैं? जब समाज स्त्री और पुरुष को पति पत्नी की पदवी देता है, तब पुरुष को दूल्हा और स्त्री को दुल्हन के नाम से पुकारा जाता है। ये मीठी घड़ी जीवन में हर मनुष्य के लिए आती है, जो कभी नहीं भुलाई जाती। अच्छा जमुना, क्या ये खेल हम दोनों नहीं खेल सकते? ये खेल नहीं है योगीराज, तो जीवन का बलिदान है। बलिदान? ऐसा सुंदर और सुखता हुआ बलिदान मैंने कभी नहीं देखा। जमुना, क्या तुम कभी दुल्हन बनी हो? बोलो जमुना। नहीं तो। मैं भी कभी दूल्हा नहीं बना। जमुना, तुम दुल्हन बनो, मैं दूल्हा बनूंगा। योगीराज। हम दोनों की जोड़ी संसार की हर एक जोड़ी से हजार गुना अच्छी अनोखी हो। क्या कह रहे हैं आप? ब्रह्मचारी हैं, योगी हैं, संसार से दूर रहने वाले त्यागी हैं। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों? जब तुम ही ने तो कहा था कि संसार में हर मनुष्य के जीवन में ऐसी मीठी घड़ी एक बार अवश्य आती जो भुलाई नहीं जा सकती। क्या मैं मनुष्य नहीं? क्या मैं दूल्हा नहीं बन सकता? आपको क्या हो गया है? आप अपने आप को भूल रहे हैं। नहीं, मैं अपने आप को भूल नहीं रहा। मैंने अपने आप को आज ही पहचान लिया। जमुना, एक भयंकर आंधी उठी है जिसमें जंगल का पत्ता उड़कर आसमान तक पहुंचकर शहर की गलियों में आ गिरा। बड़ा हल्का होता है योगीराज, आप तो हिमालय हैं। हिमालय फूल बन गया है जमुना, जिस दिन से उसके हृदय में गंगा समा गई। जब तक गंगा नहीं आई हिमालय पत्थर को, गंगा नहीं पत्थर को पानी में डूबना सिखाया। समझ गई ना पगली जमुना? योगीराज। जमुना छोड़ दीजिए मुझे। जमुना। पापा। क्या है बेटी? पापा पापा। क्या है बेटी? तुम्हारा मुंह इतना सूरा क्यों कर रहा है? क्या कहूँ, कैसे कहूँ? क्या दुनिया में ऐसा भी होता है क्या हवन करते हुए भी हाथ जलते? कुछ कहो भी तुम, क्या बात है? बोलो। हिम्मत नहीं होती बापू, वो है ना वो ब्रह्मचारी जी। हाँ हाँ। वो किसे ढूंढ रहे हैं आप? जो दूर रहकर भी दूर नहीं। धर्मदास, मैंने तुमसे कहा था कि मैं मनुष्य और ईश्वर के बीच का पर्दा हटा देना चाहता हूँ, याद है ना? आज वो पर्दा हट गया। आज मैंने जान लिया कि आत्मा का सच्चा सुख क्या है। धर्मदास, मैं दूल्हा बनना चाहता हूं। दूल्हा? ओह,
आप तो पवित्र दूल्हा हैं, सबके आगे चलने वाले हैं आप। साधना, तपस्या, योग, सिद्धि और धर्म के 10 लक्षण तो आपके बनाती हैं। मगर दुल्हन कहाँ है जो त्याग से ज्यादा कठोर, तपस्या से ज्यादा शांत, सिद्धि से ज्यादा पवित्र? धर्मदास, कहाँ है तुम्हारी जमुना, मेरी दुल्हन? बोलते क्यों नहीं, जवाब दो। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं संसारी बनूं? क्षमा कीजिए महाराज, जिस मार्ग पर आप चलना चाहते हैं वो तो कांटों से भरा हुआ है। लेकिन इन कांटों में मुझे किसी का कौन? किसने मेरे शांत उपवन में आग लगाई? किसने मेरी पुरानी सतार में नए स्वर भर दिए? धर्मदास, क्या तुम वाकई धर्मदास हो? जी, आपका दास, आपका सेवक। अच्छा, दास बनकर दास बना लिया है मुझे। जी चाहता है तुम्हारे पांव पकड़ू, भिखारी की तरह आंखों की झोली तुम्हारे सामने पहना दू। मैं और कुछ नहीं चाहता धर्मदास, प्रेम के भिखारी को रूप की भिक्षा दो। कहाँ है आपकी तपस्या और आपकी साधना ब्रह्मचारी जी? क्या संसारियों के पास आते ही आपके कदम डगमगाए? नहीं नहीं धर्मदास, मेरे कदम नहीं डगमगाए। हृदय डावाडोल कर दिया गया, किनारा सामने, उसकी डूबना चाहती। याद है धर्मदास, जब तुम और तुम्हारी पत्नी संतान की प्यास लेकर मेरे पास आए, तुम्हारी वो प्यास बहुत ही, आज मेरी प्यास तुम्हारी उस प्यास से 1000 गुना ज्यादा है। मैं प्यासा हूं धर्मदास। आपने इसका परिणाम सोच लिया है महाराज? हाँ, दीपक ने अंधेरा खाया, उसे काजल उगलना ही पड़ेगा, मुझे यहां तक आने की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। मैं केवल ये जानना चाहता हूं तुम्हारी हां है या ना। धर्मदास, हाँ और ना कहने का अधिकार मेरा नहीं। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो आपके लिए अपने प्राण तक अर्पण करने को तैयार हूं। मैं चाहिए प्राण नहीं, मैं प्राण नहीं धर्मदास, मैं तुम चाहता हूं, मुझे तुम्हारी जमुना चाहिए। जमुना से मुझे पूछना पड़ेगा, उसकी जिंदगी का सवाल है। तो जाओ जाओ जमुना से पूछो। धर्मदास, क्या कहा जमुना ने? सब कुछ ठीक है योगीराज, पर इस काम में कुछ बाधा है। बाधा? कैसी बाधा? हम अपने ब्रह्मचर्य के बल से समुद्र में आग लगा सकते हैं, हिमालय को पिघला सकते हैं। कहो क्या बाधा है? यह आपके बस की बात नहीं धर्मदास, बहाने बनाकर हमारे धीरज की परीक्षा न करो। तो सुनिए, शादी से पहले दूल्हा की तरफ से दुल्हन को सोने चांदी के गहने चढ़ाए जाते हैं, हमारे रिवाज का पूरा होना बहुत जरूरी है। सोने चांदी के गहने? हाँ, सोने चांदी के गहने धर्मदास। अच्छा, राजा बना दूंगी। ये देखो कितना अच्छा रे। माँ मुझे भी पहनाओ। ना 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 ना, तुझसे ज्यादा तो मैं अपने प्रभु दास को योगीराज से आशीर्वाद दिला के लाऊंगी। महाराज, प्रभु दास, महाराज को नमस्कार करो। जीते रहो बेटा, इस बालक की तरह ये गहने भी कितने सुंदर हैं। समय का कितना सुंदर इशारा, इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। मैं समझी नहीं महाराज। योगीराज गुस्से होकर
अपनी तपस्या के बल पर ऐसे गहनों की प्राप्ति के लिए गुफा में गए हैं। तुम इसी समय प्रभुदास को लेकर गुफा में उनके पास पहुंच जाओ। हाँ, इसके बाद क्या होगा? तुम्हारा बच्चा तेज धर्मदास की जायदाद का मालिक बन जाएगा और मेरी कसौटी पूरी हो जाएगी। जाओ, इसी समय जाओ। जमुना, रो नहीं बेटी, मैं जबरदस्ती तुम्हारे गले में शादी का पत्थर नहीं बांधूंगा। मैं तुम्हारे लिए अच्छे घर और अच्छे वर की तलाश करूंगा। तुम विश्वास रखो, मैं योगी राज को समझा लूंगा। नहीं बाबू, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि हवेली की बेटी को झोंपड़ों में दुल्हन बनकर जाना होगा। मेरा रोना तो उस महात्मा के लिए, उस महापुरुष के लिए है बाबू, जो फूलों का रास्ता छोड़कर कांटों की पगडंडी पर चलना चाहता है। मुझ जैसे कुछ नारी के लिए त्याग और तपस्या की दुनिया को लुटा देना चाहता है बाबू। तुम सच कहती हो जमुना, लेकिन जब तक जुआरी की जेब पैसों से भरी हुई रहती है तब तक वो जुए की बुराई कभी नहीं सुन सकता। बाल त्रिहट और राजहट की तरह योगी हट भी आपका अनर्थ कर देती है। मैं तो उनका भगत हूँ, पुजारी हूँ। आपकी पूजा अधूरी न रहेगी बापू, मैं ब्रह्मचारी जी के चरणों की दासी बनूंगी। ये तो मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। यही विधि का विधान है, इसे पूरा होना ही चाहिए। आप तैयारी कीजिए, जाइए बापू। मैं सोचता हूँ। प्रभुदास, योगीराज को प्रणाम करो बेटा। क्षमा कीजिए योगीराज, मैंने आपकी तपस्या भंग की है। इस प्यारे बच्चे की जिद ने मुझे मजबूर कर दिया। ये आपके दर्शन चाहता है, इसीलिए राजकुमारों की तरह सजकर ये कीमती गहने पहनकर आपके सामने आया है। ये आपके दर्शन चाहता है। जाओ प्रभुदास, योगीराज के गले लग जाओ। योगीराज, मैं आपके लिए प्रसाद लेकर आती हूँ। पता चला? नहीं बेटी, अब तक तो नहीं। तो फिर दिल में इतना बड़ा घाव रखकर मैं दुल्हन कैसे बनूं बापू? मेरी तो एक ही अभिलाषा है कि प्रभुदास के हाथ से, मेरे भैया के हाथ से मैं चुनरी ओढूं। जमुना, मैं खुद प्रभुदास की तलाश में जाता हूँ। उस बिगड़ी बनाने वाले प्रभु राम पर मुझे पूरा विश्वास है। पहन लो बेटी, अब देर न करो। Prabhu Da! Prabhu Da! Prabhu Da!
हुई होगी राज में, लेकिन क्यों? कुछ भी शोर नहीं, किसी का जोर नहीं, मालिक की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं। जीवन भर मैंने ही चरणों की पूजा की, पर आज तक मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। इस समय भी मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए प्रभु। इस बच्चे की जान की मैं भीख तक नहीं मांग रहा हूं, पर केवल इतनी प्रार्थना है प्रभु कि जमुना इस बच्चे को देखने की जिद छोड़ दे और जल्दी से जल्दी उसकी योगिराज से शादी हो जाए। प्रभु उससे शादी हो जाए। जेठी, यहाँ आप भक्ति में लीन हैं, वहां लगन मंडप में इज्जत की आहूति पढ़ने के लिए तैयारी हो चुकी है। जमुना बहन कहती है हम लगन मंडप में नहीं जाएंगे जब तक प्रभुदास नहीं आएंगे। सेठ जी, तमाम बिरादरी इकट्ठी हो चुकी है, शादी का मुहूर्त टला जा रहा है। आप समझदार होके इतनी देर को कर रहे हैं, चलिए ना सेठ जी। हाँ, लड़का होता तो कोई बात नहीं, ये तो लड़की का मामला है। चलिए सेठ, खुद भी समझदार है। आप जाइए मुरली जी, मैं जमुना को लेकर अभी आता हूँ। बहुत अच्छा, जाइए। नमस्ते सेठ जी। जमुना, ओ जमुना, जमुना, करो बेटी, फिरों का समय हो चुका है, चलो चलो। मैं तो कब से तैयार हूँ बापू, लेकिन भैया आ गया। हाँ भैया आ गया है बेटी, बड़ी दूर चला गया था, बहुत थक गया है बेचारा, गहरी नींद सो रहा है। चलो चलो, मैं उसे जगा देती हूँ। नहीं, नहीं, नहीं बेटी, जमुना सुनो। भैया, जमुना, मेरी बात तो मानो बेटी, उसे आराम तो करने दो। लेकिन आप जाइए ना बापू, हम दोनों भाई बहन आगे आते हैं। तुम चिंता ना करो,
ठीक समय पर वो तुम्हें चुनरी उड़ाने आएगा। तुम यही चाहते हो ना? चलो चलो बेटे, चलो चलो चलो, बहुत देर हो रही है, चलो। तुम ये जानना चाहती हो कि मैं कौन हूं? ये वक्त उलझन में पड़ने का नहीं। तुम प्रभुदास को लेकर लग मंडप में जाओ सती। ज्यादा ना बहाव सकती, फिर बेटी की विदाई में क्या दोगी? जाओ जाओ। तुम, अरे यहां भी तुम, वहां भी तुम, जहां देखो तुम्हें तुम। कौन हो तुम, बोलो, जवाब दो। अगर तुमने नहीं बताया तो याद रखो, वो धूप जा लगा दूं, चारों खाने चित कर दूंगा। तुम नहीं बोलोगे तो ये धूप जा दिखानी पड़ेंगे। क्यों? जय बजरंग। कितनी जोरात तुम राम के घर में चोरी। बोलो बोलो, तुम बोलो। बताता हूँ भाई, बताता हूँ, छोड़ दो। ये गहने मेरी पत्नी के हैं। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, नए बनाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए मेरी पत्नी ने अपने गहने उतार के दे दिए। मैं इसे अपनी बेटी जमुना को दहेज में। झूठ बोलता है तू, झूठ बोलता है तू, चोर है। चोर नहीं हूँ भाई, शेठ धर्मदास और मैं तो बहुत ही पुराने मित्र हैं। अगर शेठ रामदास का जरा सा भी नाखून कट जाता है तो इस रामदास की आंखों से खून टपकने लगता है। तुम क्या जाने? मैं क्या जाने? ऐसा करते हैं, शेठ जी को चलते हैं, वहीं फैसला होगा। चलो। लेकिन बच्चा राम, वहां झूठ साबित हुए तो वो धूप पछाड़ रख दू। शेठ जी, आप इन्हें पहचानते हैं? ये कहते हैं कि आगे पुराने मित्र हैं। एक बार जब आप तुम चुप रहो, मैं कह देता हूँ। हाँ शेठ जी, मुझे शक है। हाँ, दो एक बार मैंने इन्हें रास्ते में जरूर देखा है। अभी अभी तुम कुछ गा रहे थे ना, मालिक की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं। हाँ हाँ, वही पहचान लिया ना अपने पुराने मित्र को। अबे चुप, गले पड़ू। पहले आपने सोच देख, कहां से धर्मदास और कहां तू। चल चलता है ने पहले। ठहरो भाई, पहले ये तो बताओ कि बात क्या है। शेर जी, बात बहुत बढ़ गई है। देखो ठहरो ठहरो, सीता माई के गहने चुरा कर भाग रहा था। सचमुच ये तो सीता माई के गहने हैं। क्या तुमने बोल बोल बोल। नहीं नहीं नहीं, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। ये गहने मेरी धर्म पत्नी के। धर्म पत्नी के? आप तो धोबिया बता नहीं पड़ेंगे। ठहरो ठहरो भाई, यूं नहीं करते। मैं जानता हूँ भैया,
गरीबी और मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं कराती। सच बोलो, ये तुमने क्यों किया? बोलो। जमुना को कन्यादान देने के लिए। शायद आप मुझे गरीब को भूल गए, लेकिन आपके प्रेम ने मुझे खरीद रखा, अपना दास बना दिया। विश्वास ना हो तो उस देवी से पूछ लीजिए। मैं क्या था और क्या हो गया? मुझे दूल्हा नहीं बनना चाहिए, मैं दूल्हा नहीं बन सकता। मेरे कदम क्यों नहीं उठते? इसलिए कि तुम गलत कदम उठा चुके हो, पापी हो। मुझे पापी कहने वाले तुम कौन? मैं कौन हूं? ये तुम्हें उस वक्त मालूम होगा जब तुम्हारी आंखों से पाप का पर्दा उठ जाएगा। इस वक्त तो मैं ये देखना चाहता हूं कि जिसने तुम्हारे नाम की चूड़ियां पहनी, जिसने तुम्हारे नाम का तिलक लगाया, उसे छोड़कर तुम कैसे जा सकते हो? ये तो कुछ जादूगर मालूम होता है। मीरा देवी और प्रभुदास का जिंदा होकर यहाँ आना ही बता देता है कि आप कोई पक्की जादूगर है। प्रभु, मेरे राम को मैंने पहचान लिया। पागल हो गया धर्मदास, जो एक मामूली कंकर को हीरा समझ रहे हो? मेरा तो न कोई रूप है, न रंग है, न कोई गांव। ओहो, तो फिर हो को साफ साफ क्यों नहीं कह देते? शराब से कह दो क्या नाम है, क्या गांव है, वरना वो ध्रुविया रख दूं कि जिंदगी भर गदर होगे। दो रखे। अच्छा, अच्छा। न एक रूप मेरा, नाम मेरा, जहाँ भक्त रहते हैं वही ग्राम मेरा। चले गए प्रभु। तुम्हें दर्शन चाहिए? कहाँ गए प्रभु? तुम्हें दर्शन चाहिए? तो कर दो दर्शन मेरे। अरे तुमने वो काम किया है कि तुम्हें दर्शन नहीं, तुम्हें चाहिए धोबी पछाड़। कहो, हो गई ना परीक्षा योगीराज? योगीराज हट योगी को अब हट का रहा। तुम तप करके शुद्ध हो गए हो, निर्मल हो गए हो। ये सब आपकी मेरी कृपा नहीं, ये भक्तराज धर्मदास की दया है। बोलो, राज धर्मदास की जय हो। भक्तराज धर्मदास जय निरंजन।